सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव जैत में लगाई जनता चौपाल, बताई विकास की बातें। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनु, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भाई दूज के दिन अपने गांव जैत के खेड़ा माता मंदिर में पत्नी के साथ पूजा करने के लिए गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने निवास में जनता चौपाल लगाई, जहां कई लोगों ने अपनी फरियाद सीएम साहब को सुनाई। वहीं सीएम साहब ने भी लोगों की शिकायतें सुन समाधान का आश्वासन देते हुए प्रदेश भर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। एक तो दिया रोड नाली साइड बनवाओ, बनवा दिए जाएंगे। दूसरे नर्मदा जल की टंकी और वाटर सप्लाई, क्या लाइन चौक है क्या है? तो मैंने अभी मैंने निर्देश दिए, पूरी चेक करें। और एक कमिश्नर हमारे हैं या कलेक्टर है, निर्माण के कामों में अब हमको समन्वय करना पड़ेगा। नहीं तो पहले रोड बनी, पाइप लाइन वालों ने खोद डाली और फिर पाइप डाल दिए, रोड बनाने में मरम्मत की तो पाइप खोद डाले। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका समन्वय होकर काम होना चाहिए। ये बता रहे इसलिए चौक है कि रोड डलने के कारण या सुधारने के कारण टूट गई है, तो वो ठीक करवाए। मैंने बताया अभी बुला के गैस साइड ज्यादा ये दिक्कत है, उस दिक्कत को हल करें। आज जितने भी आवेदन मिले हैं उन सब पे यहाँ भी मैंने निर्देश दिए हैं और बाकी सब पर और कार्रवाई करेंगे अपन। जिन लोगों को मैंने कहा जिनको ईमानदारी से काम धंधा करना है उनके आवेदन आएंगे, तो हम स्ट्रीट वेंडर और बाकी योजना के तहत उनको लोन दिलवा के भी वो शुरू करवाने का काम करेंगे, ताकि काम धंधे भी चले। बाकी जितने अलग अलग तरह के आवेदन आए हैं, विभाग के सारे अफसर आज यहाँ मौजूद है, वो कार्रवाई करेंगे। और बाकी जो मैंने निर्देश दिए, कार्रवाई और निर्देश का पालन मैं स्वयं देखूंगा। एक बार फिर आप सभी बहनों को, भाइयों को, भाइयों को, भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदा मैया की।